बेटा, 10th क्लास में सूरत अहज़ाब पढ़ाई जाती है, आपने 9th में सूरत अनफाल पढ़ी है। 10th का सिलेबस इस्लामियात के हवाले से सूरत अहज़ाब और सूरत अनफाल का ही नाम जो आपको पढ़ाई जाएगी और जो आप पढ़ेंगे। सूरत अहज़ाब, इसके चंद गैर मशकी सवाल आज आपको लिखवाए गए हैं जो इब्तदाइया सवालात क्वेश्चन है कि जिनको समझ कर अमूमन पूरी सूरत अहज़ाब के मुताबिक इल्म हो जाता है कि इसमें क्या बयान किया गया। सबसे पहले हम इसके चंद गैर मशी सवालात की तरफ चलते हैं कि सूरत अहज़ाब सूरत कौन सी है, रुकू कितने हैं, आयात कितनी हैं और इसमें क्या क्या मौजूद है, किस खतबा का जिक्र है। तो बेटा, पहला जो हमारा लेक्चर है सूरत अहज़ाब का, वो यही गैर मशकी सवालात पर मुश्तमिल है। जब आप बच्चों को सूरत अहज़ाब के मुताबिक चंद जो है बातें समझ में आ जाएंगी तो उम्मीद है इंशाअल्लाह कि आपको सूरत अहज़ाब का सारा खाका समझ में आ जाएगा और आगे आपको क्वेश्चन और गैर मशकी सवालात और उस तरीके से गैर मशकी सवालात उनको समझने में भी आसानी होगी। सूरत अहज़ाब है, इसी तरीके से इसमें भी 10 अहादीस मुबारका आप पढ़ेंगे और 4 मौज़ूआत मुताला आप पढ़ेंगे इस अपने सिलेबस इस्लामियात में 10th का। 9th में सूरत अनफाल था, उसके बाद आपने 10 हदीसें पढ़ी हैं, वहाँ पर भी 4 मौज़ूआत मुताला थे, लेकिन यहाँ पर भी सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का इजाफा है, वो है सूरत मुमतहिना। तो चलते हैं बेटा, पहला सवाल अल अहज़ाब का मानी क्या है। जब आपका अहज़ाब का मानी होगा तो फिर बाकी बात समझ में आएगी। तो बेटा, इसके 3 मानी बयान किए गए हैं सूरत अहज़ाब के, 3 मानी। नंबर 1, गिरोह, एक गिरोह उसको भी अल अहज़ाब कहा जाता है। नंबर 2, लश्कर, लश्कर भी उसको भी अल अहज़ाब कहा जाता है। नंबर 3, जमात, कोई एक लफ्ज भी लिख देने से आपका सवाल का जो जवाब है वो सही तसव्वुर किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है सूरत अहज़ाब के रुकू कितने हैं। तो बेटा, सूरत अहज़ाब के रुकू 9 हैं, सूरत अनफाल के 10 थे, सूरत अहज़ाब के 9 रुकू हैं। तीसरा क्वेश्चन है सूरत अहज़ाब की आयात कितनी हैं। तो बेटा, सूरत अहज़ाब की 73 आयात है, 73 आयात है। चौथा सवाल, सूरत अहज़ाब कौन सी सूरत है, मक्की है या मदनी। तो जवाब है कि ये मदनी सूरत है। इसी तरीके से सवाल नंबर 5 है, सूरत अहज़ाब में किस गज़वा का जिक्र हुआ। तो जवाब है कि गज़वा खंदक का जिक्र हुआ है। ये गज़वा खंदक भी जो है वो मुसलमानों और काफिरों के दरमियान एक जंग हुई, जंग नहीं हुई लेकिन एक गज़वा हुआ, उसमें सहाबा किराम ने अपनी कुर्बानियां पेश की हैं, मेहनत की है, एक खंदक खोदी गई थी, इस वजह से उसका नाम भी गज़वा रखा गया। फिर अगला सवाल है सूरत अहज़ाब का दूसरा नाम क्या है, उमन रोड में आता है तो वहाँ के बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका दूसरा नाम गज़वा खंदक है, गज़वा अहज़ाब का दूसरा नाम गज़वा खंदक, गज़वा खंदक का पहला नाम गज़वा अहज़ाब जो है अल अहज़ाब जो भी लिखते हैं। सूरत अहज़ाब में किस सहाबी का जिक्र है, क्वेश्चन बहुत से देखिएगा, लफ्ज़ सहाबी कह रहा है, पिछले साल कोर्ट में आया हुआ था, किस सहाबी का जिक्र है, तो वहाँ पे ज्यादातर बच्चे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम लेकर आ गए थे। इसलिए एहतियात करें, सूरत अहज़ाब में किस सहाबी का जिक्र है। तो जवाब हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। फिर क्वेश्चन है सूरत अहज़ाब में किस नबी का तज़किरा आया है, किस नबी का जिक्र हुआ है ज्यादातर। तो जवाब है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। फिर क्वेश्चन है सूरत अहज़ाब में जिन पैगंबरों से अहद लिया गया, वादा लिया गया, उनके नाम क्या है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो उसका जवाब, नंबर 1 हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नंबर 2 हजरत नूह अलैहिस्सलाम, नंबर 3 हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नंबर 4 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, नंबर 5 हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम। तो बेटा, ये गैर
मुश्किल सवालात हैं, ये जब आपको इल्म हो जाएंगे इसके बाद हम अब सबक की तरफ चलते हैं। इसकी सिर्फ और सिर्फ पहली चार लाइनें तर्जुमा आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दिया जाएगा, तो इसका मफहूम समझ लें कि ये क्या मतलब क्या कहा जा रहा है। सूरह अहज़ाब है, पहली सूरत सफा नंबर 27 से शुरू हो रही है। फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। इस पहली दो लाइनों के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद बातों की तलकीन की गई है कि आप ये काम करना है। नंबर एक, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक काम तो ये करना है कि आपने अल्लाह से डरते रहना है। हमें भी यही हुक्म है अल्लाह से डरने का, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डरते रहना नबी को कहा जा रहा है। नंबर दो, काफिरों और मुनाफिकों का कहा नहीं मानना, चार बातें इसमें कही जा रही है। नंबर एक, अल्लाह से डरते रहना। नंबर दो, काफिरों और मुनाफिकों का कहा ना मानना। नंबर तीन, कि जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से वही की जाती है, जो आयत नाजिल होती है, जो कोई नया हुक्म नाजिल होता है, जो कोई नया ऑर्डिनेंस नाजिल होता है, तो फरमाया कि जो तुमको तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से जो चीज निभाई नाजिल हो उसकी पैरवी करनी। तीसरा पॉइंट, नंबर एक अल्लाह से डरते रहना, नंबर दो काफिर और मुनाफिकों का कहा नहीं मानना, नंबर तीन जो वही नाजिल हो उसकी पैरवी करना, और नंबर चार खुदा पर भरोसा करना। पहली दो लाइनों में चार बातों की तलकीन की गई है। बेटा अगले पास ने मा जअलल्लाहु, तीसरी लाइन में मा जअलल्लाहु लिरजुलिन मिन कल्बैन फी जौफिह, खुदा ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल नहीं बनाए। एक शख्स था मामर बिन असद, उसका नाम था, मुनाफिक था, काफिर था। वो कहता था कि मैं मुसलमान ही हूँ और मैं काफिर हूँ। मुनाफिक था ना, मुनाफिक वो होता है जो जाहिर तो कहे मुसलमान हो और अंदर से काफिर हो। इसका नाम क्या था, मामर बिन असद। ये कहता था हुजूर के सामने आकर कि मैं तो मुसलमान हूँ, जब भाभी जाता था मुनाफिकों के पास काफिरों के पास, उनको कहता था काफिर। तो अब ये दोनों के बारे में इल्म नहीं हो रहा था कि ये मुसलमान है ये काफिर है, कौन है आखिर ये। तो इसके बारे में आयत नाजिल हुई और ये लोगों को कहते हैं हुजूर अलैहि सलाम इसको कहते थे भी तो मुसलमान है, कहता मुसलमान। तो जब इनको काफिर पूछता कि यार तुम वहां जाके कहते हो मैं मुसलमान हूँ, हमारे पास आके कहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम क्या चीज। तो वो कहता था कि मेरे सीने के अंदर अल्लाह ने दो दिल बनाए हुए हैं, मेरा एक दिल इस्लाम पर है, एक दिल कुफर पर। तो इस पर अल्लाह ने क्या आयत नाजिल फरमाई तीसरी लाइन के शुरू में कि खुदा ने किसी आदमी के पहलू में दो दिल बनाए नहीं है। दिल एक है, अब वो एक ही हो सकता है, या फिर मुसलमान या फिर काफिर, मुसलमान भी हो काफिर भी हो, ऐसा हो सकता नहीं है। मुनाफिक जो है वो बहुत बुरी चीज है, वो नहीं हो सकती। चुनाचे ये आयत उस मामले में असर के बारे में नाजिल हुई। उसके बाद जमाने जाहिलियत में अपनी बीवियों को तलाक देने का एक तरीका जिक्र किया गया। तलाक यूं देते थे, जब अपनी बीवी के पास नहीं जाना होता था, उससे लड़ाई हो जाती थी, तो उसके लफ्ज तलाक नहीं कहते थे बल्कि उसको यूं कहते थे भाई तुम मेरी माँ की तरह हो या माँ की पीठ की तरह हो। एक यानी कि जिस तरह मेरे ऊपर मेरी माँ हराम है, या जिस तरह मेरी माँ एक खुद पर तहजीब रखती है, जिस तरह मेरी माँ की पीठ खुद पर इज्जत और एहतराम वाली है, आज के बाद तुम भी मेरी माँ हो या मेरी माँ की पीठ की तरह, मैं भी तुम्हारे अदब एहतराम ऐसे करूंगा जैसे मैं माँ पर करता हूँ। और इससे वो मुराद तलाक ले लेते थे कि तलाक हो गई बस। तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई तीसरी लाइन के एंड पे, वमा जअल अज़वाजकुम अल्लाही, कि जिन औरतों को तुम से हार कर चुके हो, तुमने अपनी बीवियों को कहा है कि तुम मेरी माँ हो या माँ की बीवी की तरह, आइंदा के बाद वो तुम्हारी माँ नहीं है, वो तुम्हारी बीवियाँ ही है। उसके बाद चौथी लाइन के शुरू में जो है वो मुंह बोले बेटों के बारे में जिक्र है। मुंह बोले बेटे किसे कहते हैं, आप बार बार पढ़ेंगे सूरह अज़ाब के अंदर अमूमन मुंह बोले बेटों का जिक्र हुआ है। हजरत अली सलातो वसलाम के एक गुलाम थे जिसे हजरत जैद कहा जाता है, बाद में हुजूर ने इनको आजाद कर दिया था, लेकिन ये फिर भी हुजूर के साथ रहते थे। मुंह बोला बेटा किसे कहते हैं, एक बच्चा अपना नहीं उसको कहना मेरे बेटा क्या हाल है, बेटा बेटा कह कह के उसको मुंह का मुंह से कह देना बेटा। अब अल्लाह ताला ने तो मुशरिकीन मक्का में ये रिवाज ये राय हो गया, मशहूर हो गया कि जो हजरत जैद हैं ये हुजूर के बेटे हैं, क्योंकि हुजूर जब भी पुकारते थे बेटा कह के पुकारते थे। तो कौन ने ये समझा, इलाके वाले ने ये समझा, मदीना वाले ने ये समझा कि भाई ये तो हुजूर के बेटे हैं। तो अब हालांकि वो तो मुंह बोले बेटे थे, जो मुंह बोला बेटा होता है उसका नसब भी और होता है, उसके बाप जो और है। चुनाचे अल्लाह ताला इस आयत में नाजिल कर ये हुक्म दिया कि जो तुम्हारा मुंह बोला बेटा होता है वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं होता। हाँ ज़ालिकुम क़ौलुहुम बिअफ़वाहिकुम, ये जो काफिर कहते थे कि हुज़रत ज़ैद जो के मुंह बोले बेटे
ये हकीकी बेटे हैं, ये इनके मुंह की बातें हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए। और आखिर में फरमाया कि देखो अल्लाह ही तुम्हें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत करता है। तो ये बेटा चार लाइनों का सिर्फ आप लोगों को मुख्तसर खुलासा बताया गया इसका कि इसमें ये चीजें बयान की गई हैं। तर्जुमा लफ्ज़ इंशाअल्लाह ताला व्हाट्सएप के जरिए आपको भेज दिया जाएगा, वहां आपने अपने लफ्ज़ तर्जुमा याद कर लेना है और ये जो गैर नशरी सवाल हैं इनको आपने देख लेना है और इनको याद कर लेना है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस सबक को याद करने